हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं द सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज सेक्शन फॉर इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल टैलेंट एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स फॉर स्टैंडर्ड 8। 8th क्लास के जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स के लिए, जनरल नॉलेज का कंप्लीट सिलेबस आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहला चैप्टर स्टूडेंट्स जो रहता है दैट इज बेस्ड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स की स्टडी बॉटनी में होती है, एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी में होती है, और उसी से रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहां पर दिया गया है जो की वर्ड है दैट इज माइकोलॉजी, और पूछा गया है माइकोलॉजी इनमें से किसकी स्टडी है, विच साइंटिफिक स्टडी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन ए। माइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ फंगाई। जिस तरीके से बैक्टीरिया की स्टडी इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है, उसी तरीके से फंगस या फंगाई की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन ए, फंगाई। लेट्स मूव अहेड। जो दूसरा चैप्टर होता है स्टूडेंट्स दैट इज अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट। हम सब जानते हैं कि अर्थ के आसपास उसका एक पूरा एनवायरमेंट है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एटमोस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और उसी के आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के आधार पर या इसके बेस पर। जैसे कि द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ डेज, चेंज ऑफ द सन्स रेज एंड चेंज ऑफ सीजन्स एंड नन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बहुत आसान है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, चेंज ऑफ सीजन। तो चेंज ऑफ सीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सन्स रेज चेंज नहीं होती है, सन्स रेज जैसे एमिट होती है सन से वैसे ही रहेंगी, एंड जो डेज होते हैं दैट जो डेज होते हैं दैट दोस डेज आर बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। तो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ की वजह से किन चीजों पर प्रभाव आता है दैट इज सीजन। ये हो गया चैप्टर टू। तीसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, अलग अलग मिसाइल्स के बारे में, डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, स्पेस मिशंस एंड स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। Which of the following missile is not a part of India's ambitious integrated guided missile development program? इसे short form में बोला गया है IGMDP, जो कि 80 के दशक में शुरू किया गया था भारत की सरकार द्वारा एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मिसाइल उसका हिस्सा नहीं है। So, इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, उसे जानने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत किन मिसाइल्स को डेवलप करने का प्रावधान था। उन मिसाइल्स का जो प्रावधान था उनमें थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए ये कैंसल हो जाते हैं क्योंकि ये सभी मिसाइल्स आईजीएमडीपी का पार्ट थे। So, इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन सी, ब्रह्मोस, जो कि एक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रशिया ने मिलकर इजाद की है, डेवलप की है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन से। आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर वर्ल्ड अफेयर्स और इंडिया का उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है, वर्ल्ड अफेयर्स का इंडिया के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। एक सैंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपको इस सेक्शन में से, तो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस
सीओ, तो अगर आप एस सी ओ की बात करेंगे, सो बहुत ही प्रभावशाली संस्था है ये। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी, उसी तरीके से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके बाद बीमस्टेक भी एक क्षेत्रीय संस्था है, उसके बाद नाफ्टा, और भी ऐसी बहुत सारी ग्रुप्स हैं, या बहुत से ऐसे ग्रुप्स बोल सकते हैं या संस्थाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, जिससे भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, चाइना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है, और बीजिंग से बतौर उसका एक हेडक्वार्टर स्थापित है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स ये वाला, और करंट अफेयर्स से जुड़े काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, सोशल स्टडीज चैप्टर 5 होता है जनरल नॉलेज के सेक्शन में। सोशल स्टडीज में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में से, उसके बाद ज्योग्राफी भी एक एरिया रहता है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन वी हैव सिविक्स जिसे आप पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, और उसके बाद में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो इस तरीके से इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? एक चीज स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, ये बक्सर एक ऐसी जगह है जो इंडियन स्टेट ऑफ बिहार में लोकेटेड है, और बैटल ऑफ बक्सर को हम कह सकते हैं कि ये वो युद्ध है जहां से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत पूरी तरीके से शुरू हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज 1764। 1757 में एक बहुत फेमस और बैटल हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो बैटल ऑफ प्लासी के 7 साल बाद हुई थी, इन द इंडियन, इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। सो बैटल ऑफ बक्सर इंडिया में लड़ी गई थी इन द ईयर 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज और लिटरेचर चैप्टर 6, ये अगला चैप्टर है इस पूरी श्रृंखला में, और यहां पर स्टूडेंट्स क्या रहता है कि लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सैंपल क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म। हर कंट्री अपने नागरिकों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, अलग अलग फील्ड्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए और उपलब्धियों के लिए अलग अलग अवार्ड से सम्मानित करती है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, उन्हीं में से एक अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। आपको ये बताना है ज्ञानपीठ अवार्ड एसोसिएटेड किससे है, किससे जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर जो की वर्ड है स्टूडेंट्स वो है ज्ञानपीठ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इंडिया में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है फॉर लिटरेचर। जी हाँ, लेखन के क्षेत्र में, इन दी फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन दी फील्ड ऑफ राइटिंग, ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन ए, लिटरेचर। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, चैप्टर 7 एंटरटेनमेंट का सेक्शन होता है, और एंटरटेनमेंट के सेक्शन में से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सैंपल के तौर पे आप सबके सामने है, बताइए ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड किस ईयर में क्राउन की गई थी? ऐश्वर्या राय वॉज क्राउन एज मिस वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ऐश्वर्या राय जो कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की डॉटर इन लॉ हैं और अभिषेक बच्चन की वाइफ हैं, उसी तरीके से आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, इट वॉज वे बैक इन द ईयर 1994। यस स्टूडेंट्स, 1994 में ऐश्वर्या राय वॉज क्राउंड एज द मिस वर्ल्ड।
इस तरीके के क्वेश्चंस एंटरटेनमेंट के सेक्शन में से आपको पूछे जाएंगे। चैप्टर 8 जो कि अगला चैप्टर आता है वो चैप्टर है स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित, और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, करंट इवेंट्स, वर्ल्ड कप्स, बहुत सारे टूर्नामेंट्स, आईपीएल से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां पर एक सैंपल के तौर पे आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला मैदान, इसका जो नया नाम है वो क्या है। आपको मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिस तरीके से ईडन गार्डन्स कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में, और ऐसे बहुत सारे फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वेन्यूज हैं, उस तरीके से फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है वो भी क्रिकेट ग्राउंड है और ये दिल्ली में स्थित है। इसे जो संचालित करती है दैट इज DDCA, दैट इज DDCA। नाउ DDCA इज नथिंग बट दी बॉडी जो दिल्ली में क्रिकेट का संचालन करती है, और इसके जो प्रमुख रहे हैं काफी समय तक वो थे अरुण जेटली जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन ए, अरुण जेटली स्टेडियम। सो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हैज बीन गिवन अ न्यू नेम एंड दैट इज अरुण जेटली स्टेडियम। मूविंग अहेड, दिस इज चैप्टर 9, करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके लिए आपको लेटेस्ट न्यूज और करंट अफेयर्स से एकदम अपडेटेड रहना पड़ता है। जितने भी घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही हैं, वेदर इट इज नेशनल इंटरनेशनल, उन सब के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है एनोलॉजी के फॉर्म में, इफ दीक्षा भूमि इज टू नागपुर देन चैत्य भूमि इज टू विच सिटी। नाउ ये चीज आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है कि दीक्षा भूमि इज द प्लेस वेयर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने दीक्षा ली थी व्हेन ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। नाउ आपको ये पूछा गया है कि उनकी जीवन से जुड़ा हुआ एक और स्थान है और उसे बोलते हैं चैत्य भूमि। आपको ये बताना है कि चैत्य भूमि इन चार ऑप्शंस में से कहां पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी, मुंबई। चैत्य भूमि इज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। चैत्य भूमि भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है और दीक्षा भूमि भी नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइव आईज। यह एक तौर पे असाइनमेंट रहेगा स्टूडेंट्स आपका, आपको ये पता करना है कि बेसिकली ये फाइव आईज कंट्रीज कौन सी हैं और इन फाइव आईज कंट्रीज का ना काम क्या है, ये किस क्षेत्र में एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइव आईज कंट्रीज हैं कौन, और जब आप उनकी श्रृंखला को देखेंगे तो आपको अपने आप इस सवाल का सही उत्तर पता चल जाएगा। सबसे पहले जो फाइव आई कंट्री में आता है दैट इज कनाडा, उसके बाद में यूएसए, फिर है यूके, उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, और आखिरी में आता है न्यूजीलैंड। तो आप देख सकते हैं इन पांच ऑप्शंस में यूके, यूएसए और चार ऑप्शंस में यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ दैट इज फ्रांस, और वही चीज आपको पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी कंट्री फाइव आईज के साथ जुड़ी हुई नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज फ्रांस। तो इस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया पूरा का पूरा सिलेबस फॉर नेशनल एंड रीजनल टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स का फॉर स्टैंडर्ड 8 और जनरल नॉलेज के पेपर के लिए। So this was all about students for today's video. हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए and keep learning. Thank you so very much.